वेलकम बैक टू माय चैनल रामकृष्ण का ब्लॉग। में सबका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? और ये कोई मॉर्निंग का टाइम नहीं हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। हुआ क्या है कि आज हमारे घर में पानी नहीं है, क्योंकि लाइट सुबह से भी नहीं है। और मेरा हुलिया दिखाई दे रहा है ना, इसी की बदौलत है। कोई भी नहीं नहा पाया, क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे करीब में लाइट चली गई। और वो जो माइक में था ना, वो बोल के भी गया था क्योंकि लाइट जाएगी। और क्या बोलते हैं, का पानी मैंने भर लेंगे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाया, जिसका ये नतीजा हुआ कि सारा दिन नहीं नहा पाए और एक बूंद पानी नहीं था। यहाँ तक कि बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं बच पाया, वरना पहले ध्यान होता तो टंकी भर लिया होता। जिसकी वजह से अब भी मम्मी कपड़ा धोई और नहा रही है। और बज गए भी शाम के 6। अभी मैं जाऊँगी मुँह हाथ पोछने। और मेरे देवर ये बना के लेके आए हैं फ्रेंच फ्राई चटनी। वो ऑफिस से जल्दी आ गए हैं, अभी मैं चली खाने। और ये जो हुलिया सा हो रखा है, इसे चाहिए मुँह हाथ साफ करने, भाई मुँह हाथ पोछूंगी जाके, इनकी सफाई करने। ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हैं। और यहाँ मैंने दाल डाल दिया। मैं तसली में दाल बनाती हूँ, कुकर दाल बनाती हूँ, बिल्कुल गाँव वाले की तरह तेल डाल के हल्दी ना, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें मैंने चावल रख दिया है। और ये बर्तन धो लूँ, बहुत सारे बर्तन हैं। मुझे नहीं, तसली वाली दाल ना अच्छी लगती है। अब वो वाली जो कुकर वाली दाल बनाती हूँ ना, अगर वो तड़के वाली बनाओ तो ठीक लगती है, वरना तो अगर वो वैसे ही बनाओ प्लेन मसूर डाल के, तो मुझे ना बेकार सी। पता नहीं बीच में तो कुछ हुआ था गैस कि मुझे अजीब सी उल्टी, इसमें देखते के साथ में ना उल्टी जैसा। तो गाइस मैं मुँह हाथ पोछ के आ गई हूँ, और अभी बज गए हैं 7। और मैं खाना बनाने जा रही थी, जो बताए थे मैंने आपको, वो प्लान हो गया चेंज। हस्बैंड का फ़ोन आया था और वो कह रहे हैं अब ला रहे हैं चिकन, तो उसके लिए मैं प्याज काटने जा रही हूँ। 1 या 1.5 kg के हिसाब से काफ़ी है ये, तो लहसुन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बनाने जा रही हूँ। और क्या हुआ कि लाइट का कुछ ऐसा लग सुनने में आया है कि वो जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेन रोड की बिजली का काम चल रहा है। तो कल से मुझे फटाफट फटाफट काम करने पड़ेंगे, और वीडियो में भी लेट होगा तो सब कोई गारंटी नहीं है। नहाऊंगी धोऊंगी ये जल्दी जल्दी कर लूँगी, वरना अगर वीडियो का साथ अब तो फिर मंटा जा रही। तो अभी फिलहाल चलते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हो बज गया 7, तो काफ़ी टाइम हो गया है बनाते बनाते, मुझे 8-9 बज जाएगा। और एक और बात बता रही थी, आने वाली वीडियो में मैं कहीं जाने वाली हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये आप सबके लिए सरप्राइज है। तो गाइस लेट में भी लेट ही हो रहा है। पहले तो मैंने आलू उबाला, फिर उन्होंने दाल चढ़ाया, फिर उनका फोन आया तो उन्होंने चिकन का प्लानिंग कर लिया, फिर मैंने चावल चढ़ा ही दिया था, और फिर बाद में इनका प्लान आ गया बिरयानी बनाएंगे आज बिरयानी। तो लेट में और लेट हुआ जा रहा है। और यहाँ देखिए हमारा चिकन जो नहीं खाते हो, नहीं देखे। और ये मैं कढ़ाई यार चावल को डाल दी है मैंने उबलने के लिए, और मेरे चावल कहाँ गए ये रे। तो जब बन जाएगा तब उसका नक्शा दिखाएंगे, बिरयानी जैसा लगता है कि नहीं, बाद में बात करते हैं। तो गाइस हमारी बिरयानी बन चुकी है, मुझे नहीं पता इसकी शक्ल, देखिए ये हमने तसले बनाया, नया टेक्निक का भी बना सकते हैं, भगोना निकला। वाओ कैसी लगी आपको भुलिया चिकन, तो दिखा दीजिए, चावल ही दिखाई दे रहा है इससे। अपना बात करो तुम, मैं काट लूँ। इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, चिक बिरयानी की तरफ देखिए। दिखा दीजिए थोड़ा सा, रुको चिकन तो निकाल लेते हैं। ये थोड़ा अटक गया है, रेलवे काउंटर पे में लाइन में लगा हुआ है। ये रहा चिकन, तो गर्मा गर्म चिकन का मजा लेते हुए हमारी रोटी खाना बन चुकी है, सभी खाने देने जा रहे हैं। तो आज की ब्लॉग आपको अच्छी लगी तो टाटा बाय बाय सी यू, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरी सॉरी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।